हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रयास क्रिएटिविटी में। आज मैं बनाऊंगी हरियाली चिकन, बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही अच्छा बन जाता है। यहाँ पे लेना है आपको थोड़ा धनिया पुदीना, और यहाँ पे आपको लेना है अदरक लहसुन तो ज़्यादा लीजिएगा, और यहाँ पे मिर्ची अपने अकॉर्डिंग आप ले लीजिए जितना तीखा खाते हैं। उसमें आप सॉल्ट ऐड कर दीजिए, और यहाँ पे आप जो है हाफ नींबू को अच्छे से जो है डाल दीजिए, और जो नींबू से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है चटनी का। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा और खटास के लिए चाट मसाला डाल सकते हैं, और इसको अच्छे से ग्राइंड करके पीस लीजिए। ये देखिए मैंने कितना अच्छा पीस लिया है। अब इसी मिक्सर को आप चाहे तो महीने भर जो है भर के रख सकते हैं। मैंने आधा बचा लिया, बाकी ये जो मैं नेक्स्ट टाइम यूज़ करूँगी फ्रीजर में एयर टाइट करके रख दीजिए। और बाकी जो आपने पेस्ट किया था उसमें थोड़ा सा काली मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और गरम मसाला या फिर चिकन मसाला जो भी आप ऐड करते हैं, तंदूरी मसाला भी यहाँ पे डाल सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग आप डाल दीजिएगा। और थोड़ी सी जो है कस्तूरी मेथी, और यहाँ पे हल्का सा चाट मसाला डालिए और हल्का सा नींबू डाल दीजिए, बिकॉज थोड़ा खटास बन रहेगा तो उससे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पे आप चिकन डाल के उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए और हल्दी डाल दीजिए, और इसी स्टेज पे आपको यहाँ पे डाल देना है तेल। तेल जो है यहाँ पे राई का डाली हूँ, राई के तेल में चिकन काफ़ी अच्छा लगता है। और आपको यहाँ पे डाल देना है थोड़ा सा काली मिर्च, काली मिर्च से स्वाद जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको अच्छे से मिक्स करके आपको 15 मिनट जो है रख देना है। अब यहाँ पर आपको लेना है एक कढ़ाई, उस कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर आपको यहाँ पर जीरा, तेजपत्ता और जो भी हमारे सूखे मसाले होते हैं जैसे कि दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची भी यहाँ पर डाल सकते हैं, काली मिर्च, जो भी खड़े मसाले आपको पसंद हो है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसको थोड़ा अच्छे से 2-3 मिनट तक आप उसको भून लीजिए, इससे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। और आप गैस थोड़ा स्लो ही रखिए। यहाँ पे हम डालेंगे ऑनियन बारीक कटा हुआ, और यहाँ पे मैं लास्ट में ऐड करूँ थोड़ा सा राजेश मसाला, इससे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने 2-3 बार बना के देखा है, सिर्फ 5 रुपये का पैकेट है, आप भी ट्राई कर सकते हैं चाहे तो। और यहाँ पर मेरा प्याज अच्छे से भूनने बाद में जो मैंने जो मैरिनेट किया था चिकन वो यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ, और काफ़ी अच्छे से इसको मैं जो है कुछ टाइम तक फ्राई करूँगी। आप इसको लो आँच में फ्राई कर सकते हैं बिना ढके हुए, और खुशबू जो है आपको धीरे धीरे आने लगेगी, बहुत ही यम्मी बना था ये। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चंक्स में डाल दूँ टमाटो, आप चाहे तो इसे पीस के भी डाल सकते हैं, बट इस तरह से डालेंगे तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। और इसी तरह आप थोड़ा 5-10 मिनट तक चिकन को अच्छे से भून लीजिए, तो चिकन जो है पक ना जाए, जैसे चिकन आपका हाफ जो है पक जाए और मसाला जो तेल छोड़ने लगे। यहाँ पर आप पानी ऐड कर दीजिए और इसको लगभग आप 10 मिनट तक पकने दीजिए, स्लो आँच पे पकने दीजिए। और इस तरह से देख सकते हैं पकने के बाद में जो है मेरा चिकन मस्त बनकर रेडी हो चुका है, देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है और खाने में बहुत लाजवाब था। आप इसे सूखी रोटी, नान, चावल किसी के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं, और बहुत टेस्टी बना था, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर धनिया मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, आप चाहे धनिया ऐड कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।